दोस्तों इतिहास में 5 बड़ी एक्सटिंक्शन हो चुकी है। हर एक्सटिंक्शन में बहुत सी एनिमल स्पीसीज विलुप्त हो गई थी। लेखिका के अनुसार अब 6th एक्सटिंक्शन भी होने वाली है, जिसका कारण मनुष्य की डेवलपमेंट के लिए अंधी दौड़ और पैसों का लालच है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद नेचर को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाई गई है, जिसके कारण CO2 का स्तर हद से ज़्यादा बढ़ गया है। CO2 के बढ़ने से धरती का तापमान भी बढ़ गया है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र के किनारे कई शहर डूब रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। बार बार सुनामी और तूफान का आना, ज़्यादा बारिश होना, बेमौसम बरसात होना आदि आपदाएं देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पॉल्यूशन भी हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे बहुत से एनिमल स्पीसीज विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुके हैं। इसे ही लेखिका ने 6th एक्सटिंक्शन कहा है। सबसे पहले लेखिका ने पनामा देश में पाए जाने वाले गोल्डन फ्रॉग का जिक्र किया है, जो पॉल्यूशन के कारण वहां पर विलुप्त हो गए हैं। पहले वहां गोल्डन फ्रॉग काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते थे, लेकिन फिर बढ़ते प्रदूषण के कारण फंगस आ गई। इस फंगस ने उन फ्रॉग में बीमारी होने लगी और वे मरते चले गए। अब बहुत कम गोल्डन फ्रॉग ही बचे हैं। यहाँ लेखिका ने वार्निंग दी है कि नई स्पीसीज़ के आने से दूसरी स्पीसीज़ को खतरा पैदा हो जाता है। अमेरिका में पाए जाने वाला मैस्टोडोन नामक एनिमल भी एक्सटिंक्ट हो गया है। यह हाथी जैसा होता था और उसके बड़े बड़े दांत होते थे, और इन्हीं दांतों के लिए इस पशु का अंधाधुंध शिकार किया गया और आज यह दुनिया से ही विलुप्त हो चुका है। द ग्रेट ऑग नाम का पक्षी भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। इस पक्षी का मीट और पंखों के शिकार के लिए इन्हें मारा जाता था। यह पक्षी उड़ नहीं सकता था और अधिकतम इसे मेटिंग सीजन में ही मारा जाता था, इसीलिए यह और बच्चे पैदा नहीं कर पाया और धीरे धीरे विलुप्त हो गया। क्रिटेशियस पीरियड एक ऐसा समय था जब धरती पर डायनासोर का बोलबाला था, लेकिन बहुत बड़े उल्कापिंड के गिरने से वे विलुप्त हो गए और उस समय एमोमिनिटीज नाम के मॉलस्क जंतु बच गए थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और वनों के कटाव से भयानक स्थिति आ गई है और एमोनिटीज भी विलुप्त हो चुके हैं। ग्रेप्टोलिटिस नामक जंतु समुद्र में रहते थे, लेकिन इंसानों ने समुद्र को ही बहुत प्रदूषित कर दिया है। कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों के जरिए समुद्र में मिलता है और सारा प्लास्टिक आदि कचरा भी समुद्र में मिलता है। इससे बहुत से समुद्री जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ गया है और ग्रेप्टोलाइट्स तो विलुप्त ही हो चुके हैं। अगले चैप्टर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रकोप के बारे में जिक्र किया गया है। फैक्ट्रीज और मशीन के आने से अंधाधुंध कोयले और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाने लगी। CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए जिम्मेवार होती है। यह हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई है और इससे बहुत सारी स्पीसीज़ का जीवन खतरे में पड़ गया है। अगले भाग में कोरल रीफ्स के बारे में बताया गया है। कोरल रीफ समुद्र के बहुत से जंतुओं को भोजन और आवास प्रदान करते हैं, लेकिन अब वे खतरे में हैं और अगले 30 साल में वे खत्म हो सकते हैं। इसका कारण बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र के पानी में घुल जाती है और इसे कार्बोनिक एसिड बना देती है। यह एसिड कोरल रीफ के बाहरी शेल के साथ रिएक्ट करके उसे नष्ट कर देता है। इस तरह से कोरल रीफ खत्म हो रहे हैं। अब वे खत्म हो जाएंगे तो उनमें रहने वाली बहुत सी स्पीसीज भी मारी जाएगी। अगले चैप्टर में ग्लोबल वार्मिंग के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पड़ रहे प्रभाव के बारे में डिस्कस किया गया है। ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जो धीरे धीरे पिघलती है और समुद्र के लेवल को मेंटेन करके रखती है, लेकिन बढ़ती गर्मी के कारण यह बर्फ तेज़ी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र किनारे बसे कई शहर डूब रहे हैं। साथ ही बढ़ते तापमान से कई एक्वेटिक स्पीसीज और पौधे भी विलुप्त हो जाएंगे, जिससे इकोसिस्टम बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। अगले भाग में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। यह जंगल साउथ अमेरिका में है और अमेज़न नदी के किनारे है। इसका सबसे ज़्यादा भाग ब्राज़ील में आता है। इस फॉरेस्ट में संसार की सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से वर्ल्ड में 1 है। लेकिन कुछ साल पहले इस जंगल में आग लग गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि इसे खुद लगाया गया है, ताकि एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा ज़मीन हासिल की जा सके।
इससे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी, क्योंकि इससे बहुत सी स्पीशीज़ की विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया था। अगले चैप्टर में बताया गया कि कैसे पास्ट में पेंजिया नाम का जमीन का भूभाग टुकड़ों में बढ़ गया था, जिससे आज के 7 कॉन्टिनेंट बने हुए हैं। अगर एक कॉन्टिनेंट की स्पीशीज़ दूसरे में चली जाए तो वहाँ का संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे चेस्टनट ब्लाइट नाम की बीमारी से चेस्टनट ट्रीज विलुप्त हो गए थे। लेखिका सुमात्रा गई थी और वहाँ देखा कि सुमात्रा राइनो भी विलुप्त होने की कगार पर है, जिसका मुख्य कारण डिफॉरेस्टेशन है, और अब उसके ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन वे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है और हो सकता है कि यह एनिमल भी कुछ सालों में धरती से गायब हो जाए। अगले चैप्टर में बताया गया कि ह्यूमन के सबसे नज़दीकी नियंडरथैलेनिस थे, लेकिन जैसे ही होमो सेपियंस यानी हम लोग आए तो नियंडरथैलेनिस इस प्रेशर को झेल नहीं पाए और विलुप्त हो गए। लेखिका ने बताया है कि इस तरह एक नई स्पीसीज़ के आ जाने से दूसरी स्पीसीज़ विलुप्त हो जाती है। लेखिका ने आखिरी चैप्टर होप को समर्पित किया है। उन्होंने वर्ल्ड के उन सभी साइंटिस्ट का आभार व्यक्त किया है जो अपने प्रयासों से विलुप्त हो रहे जीवों को बचाने में लगे हुए हैं। साथ ही लोगों से आग्रह किया है कि सभी एनिमल स्पीसीज से प्यार करना सीखें, यह प्लैनेट उनका भी है और उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार दें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि द सिक्स्थ एक्सटेंशन की बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी और इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली होगी।